बायकॉट आप लोगों ने किया, बायकॉट फ्रूट के साथ नहीं होते। जब 2200 रुपए का था तुम लोगों ने बायकॉट कर रहा था, अभी जो 500 रुपए तक आया अभी भी बायकॉट करो ना। 2100 रुपए का था, अब इसका रेट मंडी के अंदर 1900-1100 रुपए का हो, आधा आधा फर्क पड़ गया। अभी ये पहले कितने का पेटी था, अभी कितने का पेटी? ये 1500 का बिक रहा था, 1600 का बिक रहा था, अब ये 800 से रख के 800 तक 900 तक बिक रहा है। 1300 रुपए का फर्क आ गया एक पेटी में। अच्छा, ये बताएगा ये जो गर्मा है ये पहले आप कितने का बेच रहे थे? ये तकरीबन 2500-2600 रुपए का बिक रहा था, अब इस वक्त ये 1200 रुपए का है, ये तकरीबन 2000 रुपए का पेटी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची फ्रूट मंडी सुपर हाईवे पर, और जैसे ही कराची के अंदर फ्रूट का बायकॉट हुआ उसका इतना कराची मंडी के ऊपर असर हुआ है कि कीमतें आधी से भी आधी हो गई है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि जो फ्रूट की कीमत थी वो 2500 रुपए, आज वो 700 रुपए में फरोख्त होने लगा है। इसी तरह बहुत सारी ऐसी है जो महंगी तरीन थी, आज वो सस्ती हो गई है। आपको तमाम कीमतों के हवाले से अपडेट देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, कितना फ़र्क पड़ गया मंडी के अंदर? वालेकुम सलाम भाई जान, तकरीबन आधा आधा फर्क पड़ गया भाई जान। ये पहले कितने का पेटी था, अभी कितने का पेटी? ये 1500 का बिक रहा था, 1600 का बिक रहा था, अब ये 800 से रख के 800 तक 900 तक बिक रहा है। अच्छा वाला खरबूजा लिया है, आप बाहर जाके कराची के अंदर सेल करेंगे तो अभी आपने कितने का पेटी लिया है? वहाँ तो अभी बड़े मसले बन गए, लिस्ट लाओ, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो महंगा वहाँ तो महंगा मिल ही जाए ना, हम तो सस्ते ही देते हैं, हम पार्टी की तरफ से लगाते हैं। अच्छा, कौन सी पार्टी की तरफ? पीएस पार्टी। हमारा बायकॉट ठीक है, बायकॉट आप लोगों ने किया, बायकॉट फ्रूट के साथ नहीं होते। जब 2200 रुपए का था तुम लोगों ने बायकॉट कर रहा था, अभी जो 500 रुपए तक आया अभी भी बायकॉट करो ना। नर का बच्चा बोले अभी भी बायकॉट करो, नहीं कर रहे अभी भी नहीं कर ना। 500 रुपए का कैसे भर भर के गाड़ी लेके जाता है, तो अभी मंडी वाले को सत्यानाश हो गया। अभी कभी ये तो कभी अभी का दे का नंबर, कभी अभी अबा का नंबर होता रहते कारोबार है, मगर मैदान को नहीं छोड़ना चाहिए। भले जो भी हो, ठेले वाला हो, टिया वाला हो, मंडी वाला हो, कारोबार को पीछे नहीं हटो। अपने जगह में कारोबार में अंकी बदली नहीं करो, सुकून से इत्मीनान से कर, जो ऊपर से पैसा ले आ रहे वही मिलेगा। ठीक है, अभी सस्ता बेच रहे हैं ये गर्मा हम बेच रहे हैं ये 550 रुपए का, 550 रुपए का पूरा पेटी, 24 दाना, 24 दाना इसमें लेके जाए तो पूरा महीना खाए, पूरा महीना का पर परवाह नहीं है। दो दो अगर दिन में काट के फिर भी 12 दिन का कोई इसके फल का जरूरत ही नहीं है, बल्कि सेना वाला न लग जाता तो 500 रुपए का देने में भी लग जाएगा। वो 2500 रुपए का था, अब इसका रेट मंडी के अंदर 1900-1100 रुपए का हो, 700-800 और जो कमज़ोर माल है वो 700-800 रुपए के हैं। खरबूजा 500-400। बायकॉट के बाद इतना असर हुआ है कि मंडी बिल्कुल नीचे आ गया। बस बायकॉट की वजह से भी आ गई, और पहले रोजे को 90% लोग माल खरबूजा और ये खाते हैं, और आप 25% लोग खा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, बताएगा कि बायकॉट हुआ था कराची शहर के बाद, अब बायकॉट ख़त्म भी हो गया, अब बताएगा कीमतें क्या हो गई हैं, कितना फर्क पड़ गया? ये तकरीबन कम कीमत में अभी थी 1200-1300 रुपए का फर्क आ गया एक पेटी में। अच्छा, ये बताएगा ये जो गर्मा है ये पहले आप कितने का बेच रहे थे? ये तकरीबन 2500-2600 रुपए का बिक रहा था, अब इस वक्त ये 1200 रुपए का है, 1200 रुपए का पेटी हो गया। जी जी। और अगर इससे छोटा वाला गर्मा लेते हैं तो इससे जो थोड़ा छोटा साइज का होगा, हल्का साइज का होगा, वो 700-800 रुपए में पड़ जाएगा, 700-800 तक, ताकि वो भी पहले रमजानों में वो भी 1600-1700 रुपए का चल रहा था, अभी वो 700-800 रुपए आ गया। यानी कराची वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। हाँ, तकरीबन 800-1100-1200 रुपए का फर्क पड़ गया, ये तकरीबन 2000 रुपए का पेटी है। ये कौन सा माल है? ये अमरी है, जूस वाला। जूस वाला, अगर मतलब रमजान में खाना चाहें वैसे तो वैसे भी खा सकते हैं, जूस के तौर पर भी इस्तेमाल। हाँ हाँ, कर अक्सर लोग इसमें ज़्यादा जूस इस्तेमाल करते हैं। इसमें 15-14 किलो वजन है, 14 किलो का। और ये जो दूसरा वाला है अपना कोदू वाला आता है, ये बराबर में इसमें भी वही वजन है। और ये इसके पैसे? इसका तकरीबन 2000 रुपए है। 2000 रुपए। कैसे खरीद से? खैरियत है, शुक्र अल्लाह का, खैर खैरियत है। बताइएगा, एक तो वैसे ही कराची के अंदर बायकॉट चलता रहा है, अभी बायकॉट खत्म हुआ है, कीमतें भी कुछ काफी हद तक फर्क पड़ा है, लेकिन आपने इम्पोर्ट का माल मंगाया हुआ, जैसे ये सामने गोल्डन सेब नजर आ रहे हैं,
तो इनकी क्या कीमतें हैं, क्योंकि इंपोर्ट में तो वैसे डॉलर ऊपर नीचे होता रहता है, कोई फर्क पड़ा है? बात ये कि ये ईरान के माल है असल में, नहीं इस पर खर्चा बहुत ज़्यादा आ रहा है, कंटेनर पर तकरीबन 20 लाख तक खर्चा आ रहा है इसका, नहीं ये समझो कि 1000 रुपये सरकार ले रहे इसका, 1000 रुपये एवरेज लगा तो 10 किलो माल इस पर आते हैं, 100 रुपये किलो उसने महंगा किया इधर, ठीक है। तो उससे हम अपील करते हैं, जैसे गरीब लोगों के ठेले उधर उल्टा कर रहे, गरीब लोग हैं मजदूरकार, ये रमज़ान में मिसाल जो भेज रहे हो यार माल महंगा भेज रहे हैं उधर भेज रहे, तो आप उधर से हालात मालूम करो कि कितना टैक्स रह रहा है, कितना खर्चा रहा है इस पर, उसके बाद मिसाल बतौर मजदूर को बोलो 200 का भेजो या 300 का, ये 300 का किलो उसको खुद पड़ रहे ठेले पे चली के हिसाब से 300 का किलो, नहीं है और बाज़ार में मिसाल पत्थर पाकिस्तानी से भी स्टोरों में पड़े उसको मिसाल पत्थर रेट नहीं मिल रही, लोग नुकसान कर रहे व्यापारी, खर्चे डबल है, किराया डबल है, एक चली का स्टोर में मिसाल पत्थर ये 70-80 रुपया महीने का किराया इसका, नहीं है ये पेटी 10 किलो पेटी है, ये इन 3000 का बिकता है इधर से, ठेले वाले 3000 का ले जाते, सही है नहीं, ये समझो कि 300 का उसको खुद पड़ गया ये, हाँ न 500 का, नहीं खेरा इंसाफ कर ले ठेले वाला भी, ये नहीं रमज़ान है, दूसरे मुल्कों में सस्ता होते आइटम, भले वो 400 का भेज दे किराया लगा के 50-60 रुपये किलो उसको भी बचेगा ना। अस्सलामुअलैकुम जनाब, कैसे हैं? खरीद वालेकुम सलाम जनाब, ठीक हो? खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह। सर जनाब बताइएगा कि जो एक तो कराची के अंदर बायकॉट चल रहा है, बायकॉट खत्म हो गया है, अभी क्या कीमतें बढ़ गई? ठीक है, बड़ी नहीं है कीमतें, वही चल रही है 1200 का, 1300 का वजन, 15-16 किलो वजन उसके अंदर होता है, समझे भाई? ये 1200 रुपये की पेटी चला रहे हैं, वजन इसका तकरीबन 15-16 किलो वजन है इसका, गोला लूज भरती है, ते वाला बिकती है 18-17 उसको बिकती है, 1900 का बिकती है, 2000 का बिकती है, उसका वजन होता है 17 किलो, मोटा माल होता है ये, मीडियम सेज माल है, कड़क माल है। और ये जूस वगैरह के अंदर, जूस के लिए और ये चाट के लिए, जूस के लिए और चाट के लिए, फ्रूट चाट भी बना सकते हैं और जूस बना सकते हैं इसके लिए, और ये मीठा भी होता है ज़बरदस्त, आप चेक कर लो। मामा रोज़ में खैर बात सही है आपकी, बड़ा कैसे कह रहा हूँ कि आप चेक तो करो, है मीठा बहुत ही है।